Hello everyone! Welcome to our channel, roshanza Study Point. I am Isha. Here, going to start your 12th class English labors, which I have already started. And today we are going to do our next chapter, which is named "At Deep Water." So, as you can see in the screen, that uh, your third chapter in uh, vistas is named as the "Deep Water," which is written by William Douglas. And uh, William Douglas is a very good. कैन से गुड इन इंग्लिश एंड इकनॉमिक्स ही हैज़ ग्रेजुएटिंग इन इंग्लिश एंड इकनॉमिक्स एज इट रिटर्न इन हिज autobiography. And this uh, story is also autobiography. So आपको पता होगा autobiography क्या होती है जो हम खुद से लिखते हैं अपने बारे में अपनी जीवन गाथा वही चीज़ें होती हैं तो इन्होंने अपनी story के through हमें बताने की कोशिश की है कि किस तरह से उन्होंने अपने life में जो चीज़ें की है उस तरह किसी ना किसी uh, कभी ना कभी हमारे साथ भी हुआ है और हम भी उस रास्ते से अगर करें तो हम भी अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly ये पूरा जो चैप्टर है वो आपको फियर से लड़ने के लिए है क्योंकि हर किसी का को कोई ना कोई फियर होता है और उसको ओवरकम करने का क्या क्या तरीका होता है उसके लिए वो हमें मोटिवेट कर रहे हैं थ्रू देयर ऑटो ऑटोबायोग्राफी तो ये मैंने पहले आपकी एन की स्क्रीन क्यों रखी है ये भी मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले हमारा जो एग्जैक्ट में दिया हुआ है स्टोरी के राइटर के बारे में वो हमें पता होना चाहिए तो विलियम डॉगलस जो है उसके बारे में नहीं बता दिया है कि उन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन कम्प्लीट की थी ये सब हमारा कोई भी ज़रूरी बात नहीं है ज़रूरी बात यह है कि जो ये हमारी आ, जो स्टोरी है द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज़ टेकन फ्राम ऑफ मैन एंड माउंटेंस तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका पैसेज क्वेश्चन में आ सकता है वन वर्ड में इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ स्टोरी समझाना या पढ़ाना नहीं है मेरा पर्पस ये भी है कि आप जब एग्ज़ाम में जाएँ तो आप उस चैप्टर को लेके बिल्कुल फ्री हो जाएँ कि मुझे इसका सब कुछ आता है ठीक है तो पैसेज क्वेश्चन में ये वन मार्क्स में आ सकते हैं तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि ये जो स्टोरी है वो किससे ली गई है ऑफ मैन एंड माउंटेन से और ये इसके जो रचनाकार है या फिर हम कह सकते हैं राइटर है उनका नाम क्या है विलियम मो डलस ठीक है अब हम ये देखते हैं कि इस स्टोरी के में एग्जैक्टली exactly है क्या ठीक है तो ये चीज़ें भी याद रखने के लिए अगर कोई दो मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि पूरी स्टोरी में डीप वाटर भी क्या बताने का कोशिश कर रहे हैं राइटर तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या गया है इट रिवील्स how as a young boy william douglas nearly drowned in a swimming pool in this essay he talks about the fear of water and thereafter how he finally overcome it no, और अगर हम ये देखें ऑटोग्राइफी पार्ट ऑफ दिस सिलेक्शन ऑफ़ दिस डिस्कशन ऑफ़ फियर ठीक है तो पूरी स्टोरी अगर हम वन वर्ड में कहना चाहें तो कि क्या डिस्कस कर रही है अबाउट फियर एंड हाउ वी कैन ओवरकम इट तो हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई फियर होगा किसी को आग से डर लगता है किसी को पानी से डर लगता है किसी को ऊंचाई से डर लगता है किसी को गहराई से डर लगता है किसी को अंधेरे से डर लगता है ऐसा होता है ना भीड़ में भी किसी को डर लगता है तो इसी तरह से जो डॉगलर्स है उनको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता था अब कोई भी डर लगने के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है इसके पीछे तो यहाँ पर उन्होंने पहले ये बताया कि मैं पानी से डरता क्यों हूँ उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से मैंने इस फियर को कम किया क्योंकि इन्होंने एक फेमस जो राइटर है उनका एक कोट यूज़ किया है और वो कोट इम्पॉर्टेंट भी है और एक क्वेश्चन के फॉर्म में उसे दिया भी जा सकता है मैं पहले ही बता दे रही हूँ और वो कोट क्या है वो हम स्टोरी में देखेंगे ठीक है फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैं बता सकती ठीक है लेकिन हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा ठीक तो है तो यहाँ पर हाँ चलो मैं बता ही देती ताकि आपको समझ आ जाए तो जो रूज़वेल्ट की ये कोटिंग है जिसमें उन्होंने कहा था ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इट्स मतलब जो डर होता है ना वो डर हमारे अंदर ही है और हम चाहें तो उस डर को ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा है जो डर का एक हारमोन्स होता है वो सीक्रिएट होता है और हम जितना अपने आप को उसकी और आकर्षित करते हैं उसका ध्यान डालते हैं ना तो वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है इंक्रीज़ हो जाता है तो ये लाइन का यूज़ करते हुए उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी ये जो ऑटोबायोग्राफी वो बताई है अपनी लाइफ की स्टोरी चाइल्डहुड स्टोरी बताई है ठीक है तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पहले मैं स्टोरी का ग्लम्स लूँगी जैसे कि मैं यूजली करती ही हूँ तो स्टोरी में क्या हुआ है कि जो 10 और 11 साल की जब इनकी एज थी विलियम जॉगलस की तो वो अपने फादर के साथ गए थे एक बार क्योंकि उनको डर हुआ था तो डर बचपन से ही था उनको कि जब वो दस ग्यारह साल के थे अपने फ़ादर के साथ जो उनके पास की एक बहुत बड़ी नदी है वहाँ पर गए थे और क्या हुआ एकदम से वो अपने पापा के कंधे पे चढ़े हुए थे तो आपको पता अगर समुद्र किनारे आप कभी गए हो तो वेव्स चलती हैं वहाँ लहरें बहुत ऊँची उठती हैं हवाएँ आती हैं तो कई बार क्या होता है कि वो हवा ज़्यादा होती है कि कुछ सामान को थोड़ी दूर तक उठा के नीचे गिरा देती तो ऐसे ही हुआ था वो अपने पापा के कंधे पे थे और वो सफरिंग कर रहे थे तो उनके पापा के कंधे पे लटके हुए थे तब तक एक वेव आई और वो एकदम से उनके कंधे से छूटकर नीचे गिर गए तो उन वो हालांकि पूरा गिर के बह के नहीं चले गए लेकिन उनको वो डर हो गया कि मैं कैसे गिर गया और तो वो जो डर था उस टाइम पानी का ना वो उनके कहीं ना कहीं मन में था फिर भी उन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे स्विम सीखना है तो स्विम सीखने के लिए क्या गए तो उनके नियर बाय जैसा हम भी करते हैं अपने नियर बाय जो स्विमिंग पूल होता है वहीं पे सीखने जाएंगे तो हालांकि उन्होंने सोचा था कि जो मेरा रिवर है मेरे यहाँ का एरिया का जो था याकिम् याकििमा रिवर तो वहाँ सोच रही थी कि मैं वहाँ जाऊँ बट उनकी मम्मी ने बोला था कि वो बहुत ज़्यादा डीप है डेंजरस है क्योंकि जितना गहराई में एक तो उन्हें आती नहीं है स्विमिंग और अगर वो डूब गए तो उनकी डेथ भी हो सकती है तो इसीलिए उनकी मम्मी ने वहाँ पे मना किया और कहीं जो नियर बाय स्विमिंग पूल है वहाँ क्योंकि उनकी गहराइयाँ थोड़ी कम होती है स्विमिंग पूल के। की वहाँ डूबने के चांसेस भी नहीं हो सकते क्योंकि वहाँ जो इंस्ट्रक्टर होता है जो सिखाता है वहाँ पर ठीक है तो वो गाइडर भी होता है तो इसलिए इतना कुछ नहीं होता है तो वाई एम सी ए पुल का नाम है अभी इन दोनों में डिफरेंस मैं बता देती हूँ जो याकि है हमें पता गया बहुत ज़्यादा गहरा है डेंजरस है लेकिन जो वाई एम सी ए पुल है वो क्या है सेफ़ है और दो तीन फीट नीचे ही हैं ज़्यादा गहराई है का नहीं है लेकिन हाँ उसका एक कॉर्नर साइड है जो नौ फिट नीचे ज़्यादा है गहरा उस साइड ज़्यादा लोग जाते नहीं है वो होता है ना कोई कोई एरिया में डाइविंग करने के लिए होता है तो उसे गहरा होना जरूरी है क्योंकि आप डाइविंग करते हो तो बहुत ऊँचाई से गिरते हो तो इसीलिए वो वाला एरिया जो है वो नौ फीट तक नीचे गहरा है ठीक है लेकिन ये कहाँ पर कर रहा है दो से तीन फीट के बीच में जो है ना वहाँ पर ये करते हैं अपना तो क्या होता है कि वैसी प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं वाटर विंग्स मिलती हैं इनको आपको पता है तो वाटर विंग्स क्या होती है जैसे पैरों में पहन के हम एक जो मछली की तरह होते हैं पैर उस तरह से वो शेप होता है उनका तो उस तरह से करके हम अच्छे से पानी को पीछे की तरफ धक्का दे सकते हैं तो वो वही पहन के स्विमिंग कर रहे होते हैं लेकिन बहुत दिन हो जाते हैं एक बार ना वो जल्दी पहुंच जाते हैं स्विमिंग पूल में वहाँ पे कोई नहीं आया होता है बिल्कुल शांति होता है और पानी बिल्कुल स्टिल होता है यानी कि पानी बह नहीं रहता वैसे भी वो एक जगह बाउंडेड है पानी अगर नदियों का पानी होता है तो वो लहरें आती रहती है पानी तो बेहतर रहता है मूविंग पानी होता है लेकिन जब स्विमिंग पूल का पानी है और उसके अंदर कोई चीज़ गई नहीं है तो फिर वो ज़्यादा मूव नहीं कर रही थी तो बिल्कुल स्टिल था पानी ठीक है अब क्या हुआ वो वहाँ पर बैठ के वेट कर रहे थे होता है ना कि हम भी पैरों में जो पैर होते हैं वो पानी में डाल लेते हैं और फिर वेट करते रहते झुलाते झुलाते तो वैसे ही बैठ के वेट कर रहे थे तो जो विलियम डॉगलस है ना वो बहुत ज़्यादा स्किनी लेग्स वाले थे यानी कि वे जो पतले लोग होते हैं ना उसी तरह वो बहुत ज़्यादा पतले थे तो वो बताते भी हैं कि मेरे लेग्स बिल्कुल स्किनी से हैं फिर भी मुझे स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के स्विमिंग करना पड़ता है तो इतना बॉडर नहीं करते बट क्या होता है उसी दिन जब वो अकेले बैठे होते हैं तो एक बहुत ही हट्टा कट्टा सा बॉय आता है जो बहुत स्मार्ट सा होता है मतलब वो इस तरह से उन उनका ब्रीफिंग करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिग ब्रूशर बॉय होता है उसकी एज लगभग एटीन के बराबर लगती है उसके थिक हेयर होते हैं चेस्ट पे तो चेस्ट पे थिक हेयर क्या निशानी है कि वो मच्योर हैं बहुत ज़्यादा और पीब्योर्टी वाली एज है तो इसका मतलब वो एटीन के ही हैं और उनकी जो फ़िज़िकल अपेयरेंस है यानी कि बहुत हेल्दी है, मसल्स हैं उनकी लेग्स में भी बहुत मसल्स हैं और आर्म्स में भी तो वो आता है और वो बिल्कुल मजाक उड़ाता है इसका कहता है वो स्किनी बॉय ऐसे कह के उसके बाद फिर वो उनको उसको ऊपर उठा लेता है राइटर को विलियम डॉगलस को अपने हाथ से गोद में जैसे उठा लेते नहीं एकदम तो उठा के और फिर स्विमिंग पूल के नीचे फेंक देता है ठीक है तो जैसे हम शरारते करते हैं तो उसी तरह वो भी क्या करता है कि वैसे हट सीनियर्स होते हैं जूनियर को तो छेड़ते हैं तो वो भी बहुत बड़ा था उससे वो तो क्या करता है उस वो अट्ठारह साल का जो लड़का था स्ट्रेंजर उसको पानी के अंदर फेंक देता है अब विलियम डॉगलर्स को तो कभी स्विमिंग करना आता ही नहीं था अभी तक उन्होंने सीखा ही था आते हुए भी उनको स्विमिंग सीखते एक हफ्ता ही हुआ था उनको अभी तो कुछ आया नहीं था और अब पानी के अंदर एकदम से तो उनके लिए जो एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा वेयर्ड होता है बहुत अजीब डरावना सा होता है एक नाइट की तरह नाइट किसे कहते हैं जो भी डरावना सपना होता है उसको नाइट कहते हैं तो वो उसकी तरह लगता है ये पूरा तो ये जो एक्सपीरियंस उनका रहा ना पानी के अंदर जितने भी टाइम उन्होंने रहा रहे और जो फील किया वो सब क्वेश्चन में आ सकता है इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ना ज़रूरी है क्वेश्चन में आता है इसीलिए मैं बता रही हूँ कैसे कैसे एक्सपीरियंस हुआ था तो क्या हुआ जब वो पानी के अंदर चले गए ठीक है तो बिल्कुल गहराई के नीचे नीचे डूब रहे थे फिर वो नौ फिट वाला था पानी ऐसा भी नहीं है दो तीन फिट का था कि वो आए कूद के और ऊपर चल जाएंगे नौ फिट वाली साइड में उन्होंने फेंक दिया था उन्हें तो उन्होंने प्लान बनाया कि काम करूँगा मैं जैसे ही मेरा फीट है यानी उनका पैर जैसे ही ज़मीन पर यानी फ्लोर होता है ना जो स्विमिंग पूल का वहाँ पर जाएगा मैं तभी एकदम से पैर को हिट करूँगा ज़मीन पर होता है ना धक्का दूंगा अपने आप को ताकि मैं उछल ऊपर कर जंप करके आ जाऊँ सरफेस पे तो उन्होंने ऐसा प्लान किया और वो ऐसे ही कर रहे थे लेकिन क्या हुआ वो लेट गए यानी गिर गए और ये प्लान उनका फ़ेल हो गया उन्होंने कोशिश की जंप करने की लेकिन पानी ना फिट गहरा है तो नहीं कर पाए बल्कि गिर गए पानी के अंदर ही और वो नहीं जा पाए ठीक है तो ये प्लान फेल हो गया और उन्होंने जैसा सोचा था वो उससे ज़्यादा दूर है सरफेस क्योंकि नौ फट नीचे बहुत ज़्यादा गहरा हो गया ठीक है उसके लिए तो वो वैसे भी छोटे थे अभी मेच्योर नहीं हुए थे विलियम डॉगलर्स बच्चे थे ग्यारह बारह साल की उम्र में तो उनके साथ वो इंसिडेंट हुआ था तो अभी चौदह साल हम मान सकते हैं इनकी एज को तो उसके बाद क्या होता है उनको ऐसा लगता है कि दोबारा वो नीचे नीचे गिर रहे हैं स्लोली स्लोली वो भी एक्सपीरियंस देते हैं जब वो अपनी आंखें खोलते हैं उनको लगता है शायद मैं जमीन पे पहुंच गया हूँगा लेकिन मुझे क्या दिखता है सिर्फ पानी पानी दिखता है अपने आसपास जब मैं आंखें खोलता रहा हूँ तो ठीक है फिर देखते हैं वो डर्टी सा येलो क्या है यहाँ पे येलो थिंग्स यानी कि वाटर को वो डर्टी येलो बोल रहे हैं ऑब्वियस बात है जब हम प्रॉब्लम में होते हैं हमें सारी चीज़ें बहुत गंदी लगती है तो उसी तरह राइटर को लग रही होती है ठीक है तो वो इसलिए बुरा लग रहा होता है तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं ठीक है कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि वो और फिर भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहे होते हैं फिर वो कोशिश अपनी छोड़ते नहीं है और करते रहते हैं ट्राई फिर वो प्लान बी बनाते हैं कि एक काम करूँगा मैं कि ऊपर जब चढ़ूँगा तो मैं कोई रस्सी पकड़ लूँगा ताकि मैं ऊपर खींच कर उसे चढ़ पाऊँ ठीक है कोई भी रस्सी मुझे मिले लेकिन ये प्लान भी नहीं फेल हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जैसी वो कोशिश करते हैं ऊपर जाने की तो उनको कुछ नहीं दिखता सिर्फ पानी दिखता है कोई रस्सी कुछ भी नहीं दिख रहा है मतलब वो उतना तक भी नहीं पहुँच पा रहे कि उनकी आँखें उस लेवल तक पहुंच जाए पानी के ऊपर आ जाए एयर में वो पानी के अंदर ही ये सब हो रहा है इतना सरफेस में नहीं जा पा रहे ठीक है तो उनको बहुत ज़्यादा सफ़ सफ़ोकेटिंग लगता है ना अगर आप कहीं बंद हो जाते हो और खासकर ऐसी इरीटेटिंग चीज़ जिससे आपको डर लग रहा है तो इन्हें बहुत सफ़ोकेट लग रहा होता है और वो बार बार कोशिश कर रहे होते हैं चिल्लाने की कि कोई हेल्प कर दे उनकी लेकिन शायद उनकी आवाज़ ही बाहर नहीं जा रही थी और आस पास भी कोई नहीं था क्योंकि लताया स्विमिंग पूल पूरा खाली था वहाँ कोई आया नहीं था ये सबसे पहले पहुँच गए थे तो वहाँ कोई था भी नहीं और उनकी आवाज़ भी पानी के अंदर से ज़्यादा आवाज़ नहीं जा पाती है ठीक है तो इसलिए ही आवाज़ नहीं जा रही थी इतनी देर उसके बाद क्या हुआ कि वो सोच रहे थे कि मैं पानी से बाहर अपनी आँखें या नाक निकाल लूँ लेकिन कुछ भी उनका नहीं निकल पा रहा था माउथ भी नहीं भले ही उन्हें कोशिश करने की वैसे आँखें और नाक तो बाहर आ गए लेकिन उनका मुंह पानी के अंदर ही रह गया अभी भी तो वो सर्फेस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे बट फेल हो जा रहे थे अब उनको ऐसा लग रहा था जैसे उनके पूरे गला चौक हो गया वो फंस गए हूँ ठीक है और सब कुछ एकदम बंधा बंधा सा लग रहा था और वो अपने लेग्स को जो है ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन लेग जो है ना बहुत भारी हो गए थे ऐसा लग रहा था कि वो लेग पैरालाइज हो गए डेड हो गए मर गए हैं क्योंकि वो बिल्कुल टाइट हो जाता है ना हमारे लाइक कभी कभी अगर, अगर देखा होगा आपने मोचें आ जाती हैं तो कैसा स्टिप्सा हो जाता है लाइक तो वैसे ही उनको ऐसा फील हो रहा था ठीक है फिर भी वो क्या करते हैं बहुत फोर्स लगाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए लेकिन कुछ नहीं होता वो बहुत चिल्लाते हैं पर वहाँ पर पानी के अलावा कुछ भी नहीं होता सुनने के लिए फिर भी वो दोबारा कोशिश करते हैं कि मैं दोबारा बॉटम से जाऊंगा और ऊपर आने की कोशिश करूंगा लेकिन ना सिर्फ पानी पानी होता है और वो ऐसा लगता है ना पानी फैल रहा है उनको आने नहीं दे रहा है पता है जब कुछ बुरा हो रहा था तो हमें लगता है वो और बुरा होता जा रहा है होता जा रहा है कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो वैसे ही उनको फील हो रहा है ठीक है और ये एक डरावना सपना रखता है जो इनको बहुत इरीटेट करता है सपने में हम क्या होता है बहुत फोर्स लगाते हैं हम ताकि उस सपने में जीत जाए लेकिन हम कहीं ना कहीं सपने में कई बार फेल हो जाते हैं कोई चीज़ करने में तो उनको ऐसा फील हो रहा था ठीक है अब उनको ऐसा लग रहा था मैं अपनी सांसें छोड़ रहा हूँ साँस ले पा रहा पानी के अंदर ओवस ही बात है ऑक्सीजन तो इतनी होती नहीं है तो फिर आप कैसे सांस ले सकते हैं ऑक्सीजन होती नहीं फिर लंग्स भी जो है ऐसा लगता है उसमें पानी भर गया पूरा पानी तो जाएगा क्योंकि सांस लेना नहीं आता उनको पानी के अंदर स्विमिंग ही नहीं आती तो उनको ब्रीदिंग करना कैसे आएगा पानी के अंदर तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है लंग्स में पूरा पानी भर गया है और वह अब सांस भी नहीं ले पाएंगे हेड गेटिंग तो बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है फिर दोबारा वो प्लान बनाते हैं अपना कि अब क्या करेंगे वो दोबारा जाएंगे पानी के अंदर में ठीक है और जैसे कॉर्क होता है छलता है उस तरह से झलने की कोशिश करूँगा तो शायद मैं सरफेस में आ जाऊँगा तो पानी में जाके लेट जाते हैं और कोशिश करते हैं अपने आर्म से और पैरों से हिलाकर कि मैं कोशिश करता हूँ जाने की जैसे बाकी स्विमर्स करते हैं लेकिन कुछ नहीं होता वो दोबारा ज़मीन की जो एज होते हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं ठीक है नीचे नीचे और ऐसा लगता है ना कि वो अब की बार जब जा रहे हैं नीचे तो एंड लेसली है वो इतनी गहराई में जा रहे हैं कि अब उसके नीचे कोई ज़मीन ही नहीं है ठीक है अपनी आंखें जब वो खोलते हैं फिर देखते हैं कि उनके पास सिर्फ वाटर वाटर है बिल्कुल डार्क वाटर क्योंकि हर गंदी चीज़ लग रही है उन्हें ये पानी और वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं कि कोई हेल्प कर दे लेकिन उनका जो गला है वो भी ऐसा लग रहा है सूख गया है वहाँ पे भी कुछ फंस गया है फ्रोज़न हो गया है गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही है फिर एक प्लान बनाते हैं कि आ, शायद मैं ऐसा करूँ कि जो मैं दौड़ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ जंप करने की वही अगर करता रहूँगा तो हो जाएगा लेकिन कुछ ही नहीं हो रहा ठीक है तो वाटर क्या है अभी भी उनके आसपास घूम रहा है वो फंस गए हैं ना उनको रॉप मिल रही है ना लेडर मिल रही है पानी से निकल कर बाहर आ जाएँ उनको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है ठीक है अब आर्म्स लेग्स मूव करना उनके बंद कर चुके हैं मतलब अब जितनी भी कोशिश की थी ना अब देख रहे हो आप कभी भी जान बचाने की कोशिश करते हो तो बहुत ट्राई करते लेकिन जब कुछ नहीं होता तो थक जाती है बॉडी भी मन भी हार जाता है दिमाग काम नहीं करता तो वैसे ही आप डॉक्टर्स का हो गया तो वो बिल्कुल थक गए थे तो अब उनके आर्म्स यानी हाथ और लेग्स जो हैं वो बिल्कुल काम करना बंद कर दिया उन्होंने अब उनको ऐसा लग रहा था बहुत हल्का हो गया सब कुछ पूरी लाइफ बिल्कुल हल्की हो गई है वाटर तो येल्लो दिख ही रहा था आँखें नाक सब कुछ एकदम बाहर लग गए थे सब रिलैक्स हो गए थे लेग्स तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था तो वो भी बिल्कुल लाइट वेट हो गया था अब सब कुछ उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था यानी कि बेहोश हो रहे हैं वो ठीक है उनका दिमाग भी काम करना बंद कर चुका है अब और अब वो जो फियर था ना और जो टेरर था कि मैं पानी में डूब के मर जाऊँगा वो कहीं ना कहीं वैनिश हो रहा है चला जा रहा है अब उनको कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल शांत बिल्कुल पीस लग रहा है उनको और उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं अपनी मम्मी की जो आर्म्स है जो कंधे हैं उन पर सो रहा हूँ और सोता ही जा रहा हूँ तो उनका ऐसा फील हो रहा था जैसे अब वो मर गए हैं या फिर मरने वाले हैं उनकी लाइफ ज़िंदगी जो है वो ख़त्म होने वाली है ऐसा उन्हें लग रहा था इसलिए अब उन्हें कोई टेंशन नहीं देता पता है जब बिल्कुल मौत करीब आ जाती है या तो हमें बिल्कुल टेंशन दुनियादारी की सब खत्म हो जाती है फिर जीने का कोई टेंशन नहीं रहता कि हमें ज़िंदगी जीना है तो वैसे ही डॉक्टर को लग रहा था ठीक है लेकिन जब उनकी आँख खुलती है कुछ समय बाद तो वो देखते हैं कि वो कहाँ पर लेटे हुए हैं वहीं स्विमिंग पूल के साइड में लेटे हुए हैं निकल गए हैं बाहर और कोई उनके स्टमक से पानी निकाल रहा है वॉमिट कर रहे हैं वो पानी निकाल रहे हैं ठीक है थीके? तो ये चीज़ हो रही है यानी कि, कि किसी ने उनको बचा लिया तो कोई लड़का बोलता भी है कि आ, आज तो ये ऑलमोस्ट मर जाता अगर हम लोग लेट और कर देते तो और हमने बचा लिया इनको और ये बच गए तो बहुत उनको होश नहीं आ रहा था फिर भी किसी तरह जब होश आया फिर चार पाँच घंटे बाद वो अपने घर के लिए निकले लड़खड़ाते हुए बिल्कुल बॉडी में एनर्जी नहीं थी कुछ समझ नहीं आ रहा और घर में जब पहुँचे वो तो तकिया लेके रोने लगे अपने कमरे के अंदर उस रात उन्होंने खाना भी नहीं खाया और कुछ दिनों तक उनको वो जो डर था वो उनको चैन से खाना खाने भी नहीं दे रहा था जब हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो ओबियसली बात है कि हमें कुछ समझ नहीं आता और कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो वैसे ही डॉक्टर्स के साथ हो रहा है वो जो आईसी हॉरर था आईसी हॉरर नाम दिया है जो ये पानी से डर था उनका कि उनके लेग्स जहाँ पर पैरालाइज हो गए थे सांस नहीं ले पा रहे थे वो कहीं ना कहीं उनके अंदर बस गई और उनको लगने लगा ना हमेशा हर पानी से उन्हें डर लगने लगा इसलिए जब भी पानी का कोई भी चीज़ होती थी सफरिंग होती थी या पानी के पास पिकनिक मनाते थे फिशिंग करने जाते थे या कोई भी काम होता था ना पानी के आसपास वो हर चीज़ को इग्नोर करते थे इतना डर हो गया था उन्हें तो उनको लगता था कि मैं कई बार ये सब करते करते अपनी लाइफ की जो अच्छे पल हैं वो नहीं बिता पाता हूँ ये पिकनिक्स जाती हैं या फिर कई फ्रेंड्स वगैरह कहीं जाते हैं तो वो नहीं जा पाते थे क्योंकि उनको पानी से डर लगता था तो वो इस डर को अपने खत्म करना चाहते थे इसीलिए उन्होंने एक अक्टूबर को डिसाइड किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा अपने लिए और वो मुझे स्विमिंग सिखाएगा ठीक है पुल में जाके और वो प्रैक्टिस करेंगे तो उन्होंने ये रख लिया और वो क्या करते थे पाँच दिन प्रैक्टिस किया करते थे हर हफ्ते में और एक घंटा दिया करते थे रोज़ का ठीक है पाँच दिन एक घंटा प्रैक्टिस करते रहते थे तो अब वो जो इंस्ट्रक्टर है उस किस तरह सिखाते थे क्योंकि इनके मन में डर था तो अकेले तो अब की बार जाएंगे थी तो उन्होंने क्या सोचा कि जो इंस्ट्रक्टर है ना वो उनके आसपास एक बेल्ट लगा दिया करता था और वो बेल्ट है वो रस्सी से होती थी जैसे आपने कभी वो देखा हो वीडियोस वगैरह में जब आसमान से हम गिराते किसी को बेल्ट से बांध कर रस्सी से लटका कर फिर नीचे छोड़ देते ना हवा में तो उसी तरह से उनके साथ किया जा गया बेल्ट उनके आस पास लगा दी कमर में लगा दी होगी और उसे रोप के माध्यम से दूसरे बेल्ट जो उसके टीचर के पास था उसके पास उनके पास बांध दिया गया ठीक है और ऊपर से एक ऐसे पुल बना रखा होगा पुल की तरह उससे बंधा हुआ था ताकि जब जैसे जैसे उनके वो इंस्ट्रक्टर आगे आगे बढ़ेंगे उसी तरह वो भी खींचे जैसे क्रेन चलती है ना वैसे तो इस तरह से हेड ऑफ़ केबल केबल का तार लगा रखा था केबल के तार में जैसे ट्रैवल करते हैं ना उस तरह से उन्होंने टीचर ने सिखाना कोशिश की कर दी रोप से तो इस तरह करके आना जाना कर करके पहले टीचर जाता है फिर उनके पीछे पीछे घ गज, मतलब घसीटते हुए इन कैरी में क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा इस तरह से उनके पीछे पीछे एक रस्सी लगी हुई है ना तो उससे बंधा हुआ वो भी आते थे ताकि उनको समझ आए कि पानी में किस तरह से आगे बढ़ना है ठीक है तो इस तरह करके उन्होंने प्रैक्टिस की और घंटे घंटे दिन में दिन फिर वीक टू वीक करते करते इस तरह तीन महीने हो गए ठीक है प्रैक्टिस करते करते अब प्रैक्टिस तो हो गई अब क्या हुआ कि हाँ तो उन्होंने तीन महीने तक तो ऐसी प्रैक्टिस की और उसके बाद उनको दूसरी प्रैक्टिस करनी थी दूसरा क्या था अब ब्रीदिंग करना कैसे तो जो टीचर है उनका स्विमिंग टीचर वो उनके फेस को हमेशा पानी में डाल दिया करता था और सांस लेना सिखाते थे किस तरह से पानी के अंदर एक्जेल करते हैं यानी कि सांस छोड़ते हैं और जब पानी से बाहर आ जाते हैं तो सांस लेते हैं इस तरह प्रैक्टिस कर, करके सौ टाइम्स तब उनको एक्जेल इनहेल करना पानी के अंदर आ गया उसके बाद टीचर ने क्या किया किसी पुल की साइड में ले जाकर लेग से किक करना सिखाया कि पैरों को किस तरह से किक करते ना मछलियों की तरह तो वो करने सिखाया तो एक पल के लिए तो उनका पैर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था क्योंकि उनको डर था कि पैर बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे ना उस टाइम तो उसी तरह से डेड जैसे लेग पड़ जाते हैं जब भी वो पानी में जाते हैं फिर भी उन्हें धीरे धीरे करके अपने लेग की जो स्टिफनेस है वो रिजिट पन जो आ गया था पानी की वजह से उसको रिमूव किया और पानी में मूव करना अपना लेग ये शुरू कर दिया फिर अप्रैल में जो स्विमर था उन्होंने कह दिया था कि आप अब स्विम भी कर सकते हो डाइव भी कर सकते हो और किसी भी जगह पे कितनी भी दूर तक स्विमिंग कर सकते हो अब आप गुड स्विमर बन गए उन्होंने ये कहा लेकिन जो राइटर उसको सेटिसफेक्शन मिल रही कि मैं गुड स्विमर बन गया हूँ इसलिए वो रोज़ प्रैक्टिस किया करते थे और प्रैक्टिस करने के लिए वो अलग अलग जगह जाते थे पहले कोई छोटी नदी तालाब देख ली फिर उससे बड़ी नदी फिर उससे फिर नदी तो इस तरह कर करके उन्होंने प्रैक्टिस की और सबसे लास्ट में एक बड़े रिवर को चुना ताकि उनको पता चल सके कि उनको कितना अच्छे से आता है तो उन्होंने लेक वेंटवर्थ जो न्यू हेम्सफेयर में है वहाँ पर वो गए उन्होंने वहाँ पर डाइविंग की स्विमिंग की दो माइल्स तक दूर गए लेक में लेक पे और फिर कोशिश की लेकिन जब वो मिडल पे पहुँच गए ना लेक के तो उनको ऐसा लग रहा था कि दोबारा से वो जो डर था वो आ गया तो वो क्या कहते हैं कि मिस्टर टेरर अब तो मुझे नहीं डरा सकते क्योंकि मैं डरने वाला नहीं हूँ उस तरह हंस हंस के बोलते हैं यानी कि वो अपने अंदर जो डीमोटिवेशन भर गया है नेगेटिविटी भर गई है उसको रिमूव करने के लिए ख़ुद को मोटिवेट करते हैं और फिर स्विमिंग करके आते हैं फिर दोबारा अलग अलग जो प्लेसेज है वहाँ जाकर वो स्विमिंग करते हैं तो इस तरह करके वो अपनी स्विमिंग की जो डर था उसको कम कर देते हैं और फिर इसको ओवरकम करते हैं तो यहाँ पे दो तीन कोटिंग भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है जैसे कि इन्होंने बोला था इन डेथ देर इज़ अ पीस यानी कि जब उनको मौत बहुत करीब होती है तो उनको ऐसा लगता है ना कि जो मौत होती है उसमें कहीं ना कहीं शांति होती है शांति क्यों होती है क्योंकि तब हमें इस दुनिया की जो टेंशन है वो नहीं रह जाती इसलिए वो ये लाइन बोलते कौन विलियम डॉगलस फिर एक और बात वो कहते हैं देर इज़ अ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ यानी कि हमें डर किससे लगता है मरने से मतलब कि अगर हमारे अंदर से मरने का डर ख़त्म हो गया ना तो हमारे अंदर जो खौफ है किसी भी चीज़ को लेके वो चीज़ नहीं रहेगी फिर चाहे वो प्रेत आत्मा भूत हो या फिर एक्सीडेंट हो आग बुझलना हो कोई भी चीज़ हो ना इन सब से हमें डर नहीं लगेगा एक बात और वो कहते हैं फ्री टू वॉक द ट्रेल एंड क्लाइम द पीक्स टू ब्रश अ साइड फेयर मतलब अगर आपको अपने डर को भगाना है तो आपको कोशिश करते रहना होगा उस पीक तक चढ़ना होगा जब तक आप जीत हासिल नहीं करते ठीक है तो ये कुछ लाइनें विलियम डॉगलस कहते हैं तो ये तो हो गई हमारी स्टोरी मेनली थी क्या अब हम एक बार देख लेते हैं कि स्टोरी में मेन क्या पोर्शन ठीक है? डीप वाटर डीप वाटर बाय विलियम डॉगलस डीप वाटर ओपन द वे फॉर ऑल टू अचीव द इम्पॉसिबल यानी कि जिसे हम इम्पॉसिबल कहते हैं जिसके अंदर खुद ही लिखा होता है दैट आई एम पॉसिबल उसको करके दिखाते हैं विलियम डॉक्टर्स फोकसिंग द टारगेट स्टेइंग डेटर एंड कंसिस्टेंट एफर्ट कैन हेल्प टू फाइड द चैलेंजेस एंड टफ सिचुएशंस ऑफ लाइफ यानी कि अगर आपने टारगेट को लेकर फोकस्ड हो कि मुझे सिर्फ यही करना है और डेटर माइंड हो पूरी तरीके से कि मुझे यही करके दिखाना ही दिखाना है और कंसिस्टेंट यानी कि रेगुलरली उसका प्रयास करते हो तो आप किसी भी चैलेंज को या कोई भी टफ़ सिचुएशन को पास कर सकते हो ये लाइनें जो यूपीएससी के लोग हैं वो तो खास कर सुनते ही होंगे कि डिटर्मिनेशन कंसिस्टेंट फोकस टारगेट ये बहुत ज़रूरी होता है क्लियर करने के लिए ठीक है चैलेंजेस इन लाइफ आर इनविटेबल बट वी नीड टू एक्सेप्ट दैम एंड मेक आर कर्स रन क्लियर सो दिज टू नॉट बिकम हॉडल ऑफ आवर लाइफ ठीक है, चैलेंजेस लाइफ में आते रहते हैं लेकिन हमें ये नहीं है कि हमेशा उसको लेकर परेशान होते रहना है बल्कि उसको ओवरकम करना हर्डल को उसके हमें सोल्यूशन ढूंढने होते हैं ठीक है अब लेसन वैसे मैंने बता दिया फिर भी हम देख लेते हैं एक ग्लास जो सपोर्ट मेटेल में दिला, दिया हुआ है आपके विलियम डॉगलर्स फर्स्ट इनकाउंटर विद वाटर बिगनिंग ऑफ इन्वर्जन ऑफ तो ये क्वेश्चन आता है दो मार्क्स में कि या फिर एक मार्क्स में भी आ सकता है विलियम डॉगुलस का जो डर था वो कब पैदा हुआ था फर्स्ट टाइम या फिर कब मुलाकात हुई थी वाटर से डर की तो जब वो तीन चार साल के थे ठीक है तब वो का अच्छा ये तीन चार साल के थे सॉरी मैंने दस ग्यारह बोले दस ग्यारह में वो सीखने के लिए गए थे तो तीन चार साल के थे जब वो अपने पापा के साथ कैलिफोर्निया के बीच में गए थे और वहाँ पे क्या हुआ था एक वाटर ने स्वेपड आउट या नॉक कर दिया था उन्हें वेव्स ने जिससे वो गिर गए थे और फेल्ड सपोस्टेटेड और फ्राइटिन तभी से उनके अंदर डर एक बैठ गया ठीक है फिर नेक्स्ट क्या है जो वाई पुल में हुआ था ठीक है ये इंसिडेंट्स आते हैं पेपर में ये जो वाई पुल था ना ये क्वेश्चन तो पाँच मार्क्स में आता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि जो वहाँ पर उनके साथ जो डर था उन उस डर से उनकी मुलाकात किस तरह से हुई और किस तरह से उन्होंने उस डर को इनकाउंटर किया या फिर उस डर से जीत हासिल की तो ये क्वेश्चन पाँच मार्क्स में आता है तो पहले तो वाई में मिस एडवेंचर क्या हुआ मिस एडवेंचर बोला है यानी बुरी घटना जो हुई है कि उन्होंने जब स्विमिंग सीखने की कोशिश की थी वाई पुल में याकिमा पुल क्योंकि वो सेफ माना जाता था तीन फीट ही था वो नीचे लेकिन नौ फीट भी था एक एंड पे ठीक है वॉट वाटर विंग्स वाटर विंग्स हालांकि उन्हें मिले थे फिर भी उन्होंने उस दिन नहीं पहना था जिस दिन उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ बिगिन फीलिंग कंफर्टेबल जिससे वो कंफर्टेबल uh, फील कर इसलिए उन्हें मिला था मिस एडवेंचर क्या हुआ था कि वो जो बॉय था उसने उन्हें पूल के नीचे गहराई में फेंक दिया था तो ये वन मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि किसने ऐसा किया था किस वजह से वो स्विमिंग पूल पर गए थे तो आप बोल सकते हो वो जो बॉय था उसने किया था जो एटीन ईयर्स का लग रहा था ठीक है अब उन्होंने क्या क्या प्लान या स्ट्रैटेजी बनाई उससे निकलने के लिए तो उन्होंने सोचा था पहला कि मैं बॉटम के नीचे हिट करूँगा ताकि बड़ा जंप लेकर मैं सर्फस पर आ सकूँ फिर दूसरा क्या किया उन्होंने नाइन फिट लुक जब देखा उन्होंने कि बहुत नाइन फिट नीचे है तो उनको ऐसा फील हो रहा था ये नाइन फिट नहीं नाइनटी फिट है इस तरह से लग रहा था उन्हें मतलब वो भी ज़्यादा लग रहा था बहुत पैनिक हो गए थे और परेशान उन्होंने हेल्प के लिए भी मदद मांगी चिल्ला चिल्ला के ब्रिजनेस एंड आर्किंग आर्चिंग यानी कि उनके जो लंग्स हैं वो भी ऐसे लग रहा था जैसे फंस गई होंगी और कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें फ्यूटाइल स्ट्रगल बहुत करते हैं और वो बार बार उन कोशिश कर रहे होते हैं हारने के बाद भी पूरा एफर्ट्स डालते हैं फिर क्या होता है किस तरह से वो बचते हैं सेफ दैन सर्वाइव बट सी इज बैटर तो उनको कौन बचाता है कोई उन, कोई भी निकाल देता है उन्हें स्विमिंग पूल से और फिर वॉमिट करके उनके अंदर का जो पानी है वो भी निकाल देता है लेकिन वो बहुत वीक हो जाते हैं हिलते हुए दिखते हैं जब तक वो घर पहुँचते हैं फिर रात को उनको वो डर लगता है रोते हैं वो ब्लिंग द नीज एंड सिक टू द स्टमक ठीक है उनका जो स्टमक में कोई खाना नहीं जा रहा होता है गॉड्स केयर ऑफ वाटर वाटर से एक डर रह बैठ जाता है उनको स्टार्टेड अवॉइडिंग वाटर बॉडीज जहाँ भी उनको वाटर बॉडीज दिखती थी उन सबको वो अवॉइड करने की कोशिश करते थे ठीक है फिर आगे देखते हैं हम आफ्टर द मिस एडवेंचर जब उनके साथ ये घटना हो जाती है तो फिर क्या होता है वो फिशिंग ट्रिप्स बोटिंग या स्विमिंग्स या रिवर राफ्टिंग इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पा देते तो ये चीज़ होती है अब वो किस तरह से अपने डर को कम करने की कोशिश करते हैं डटरमाइंड टू ओवरकम फियर ऑफ वाटर तो पाँच दिन तक एक वीक एक वीक में जो पाँच दिन है और एक घंटे रोज देकर वो कोशिश किया करते थे सीखने की एक रॉप अटैच की जाती थी जो मैंने बताया बेल्ट से और वो एक केबल से होकर दूसरे तक जाती थी उसके टीचर तक स्विमर तक वेंट बैक एंड फोर द क्रॉस मतलब एक बार जो हम कहते हैं ना आगे बढ़े फिर मूव हो पीछे आए तो वही चीज़ करके उन्होंने कोशिश की फिर उन्होंने हंड्रेड टाइम्स इनहेल और एक्सेल करने की प्रैक्टिस पीसे की पीसेज बाई पीसेस जो इंस्ट्रक्टर है उन्होंने इसे स्विमर सु, बना दिया बट डॉगलेस सेटिसफाई नहीं थे इसलिए उन्होंने क्या किया अपने आप को सेटिसफाई करने के लिए लास्ट में वो वेंट वॉथ में गए और फिर उन्होंने वहाँ पर डाइविंग की स्विमिंग की और वॉम लेग में भी गए और फिर इस तरह से उन्होंने अपने फियर को ओवरकम कर लिया ठीक है तो ये हो गई पूरी स्टोरी आपकी आई जस्ट होप कि आपको समझ आ गई होगी इस स्टोरी में से चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और वो पूरी स्टोरी को कवर कर, कवर करते हैं पहला क्वेश्चन एक मार्क्स से दो मार्क्स में बनता है कि जो मैंने बताया डॉगलस को फियर कब सबसे पहले इनकाउंटर हुआ था तो बचपन का जो इंसिडेंट है वो वाला बताना है आपको कैलिफोर्निया बीच का दूसरा आता है कि वाई पुल में उनके साथ कौन सी दुर्घटना हुई थी और वो जो मिस एडवेंचर हुआ था उसको उन्होंने या फिर उसने उस मिस एडवेंचर ने उनकी लाइफ को किस तरह से स्पॉइल कर दिया कि वो किसी भी इंसिडेंट कहीं भी नहीं जा पाते थे वाटर बॉडी से बिल्कुल डर डर के रहने लगे थे फिर क्वेश्चन एक आता है कि जब आ, मिस एडवेंचर हो गया तो उन्होंने अपनी इस फेयर को कम करने के लिए क्या क्या कोशिश की वो वाली कोशिश जो है वो सारी आती है तो ये दो क्वेश्चन लॉन्ग में आता है और दो क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो इस तरह आप कर लेना नेक्स्ट वीडियो में वैसे भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने में हवाले हैं तो हम देखेंगे फिर ओके आज के लिए इतना ही थैंक यू वीडियो को लाइक जरूर कर देना ओके